हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं हमारे सभी साथी? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और सभी लोगों का चाय नाश्ता सब हो गया होगा। और जो साथी कल व्रत रहे होंगे, आज तो जल्दी से सुबह उनको खाना चाहिए था। तो कौन कौन साथी हमारे ब्रेकफास्ट सब कर चुके हैं वो कमेंट में बताएंगे। मेरा भी चावल चल रहा है बीन ब्राइस को, क्योंकि आज चाय तो मिलेगी नहीं, दूध तो जम गया, बैठ गया है वो, क्योंकि हम फ्रिज में रखने को भूल गए थे कल। और मैं बनाने जा रही हूँ तहरी, क्योंकि वही थोड़ा सरल पड़ जाएगा, जल्दी बन जाएगा। जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गलीवलंब्य लंबितंबुजंग तुंगमालिका डमड्डमड्डमड्डमत्सिनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डतण्डवन्तनूतुन शिव शिवम् जटाकटासहस्रमब्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनी धगद्धगद्गजल्लवल्ललाटपट्टपावकी किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासवन्धुवन्धुर स्फुरच्छिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षगोरणी निरुद्धतुर्धरापदी क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि जटाभुजङ्गपिल्पयस्फुरत्तडामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमदलितदिग्धदिग्धधूमखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगन्तुरीयमेतुरे मनोविनोदमद्भुतं विभूतभूतभर्तरी सहस्रलोचनप्रभिक्षशेषलीयसेतुरसूलधूलधूरणी विसुन्दरचन्दपीठ भुजङ्गराजमालया निहत्तजातजूटका श्रियचिराय जायतं चकोरबन्धुशेखर ललाट। कुछ पढ़ भी नहीं पाए, यहाँ से गैस निकल रही है, किसी को देखने लगे। ये देखें, बहुत तेज निकल रहा है, अब बंद करना पड़ेगा। तैयारी भी बन चुकी, आज लगता है खाना नसीब नहीं है। आज लगता है खाना नहीं मिलेगा, बहुत तेज गैस लीक कर रही है। अब तो बन गया है, जल्दी से बना लेते हैं। लाइटर सॉरी साथियों, मैं पूरा सिर्फ सांडो नहीं बोल पाई, क्योंकि बीच में गैस लीक करने लगी तो उसमें ध्यान चला गया। पता है साथियों, ये शिव तांडव में मुझे कैसे याद हुआ था? मेरे प्रदीप भैया हैं, वो भगवान के बहुत भक्त हैं, और जब वो कहीं चले जाते थे, कहीं काम लगता था या फिर कहीं भी चले जाते थे, तो फ़ोन करके बोलते थे कि पूजा कर लेना, और शिव तांडव अपने हाथों से लिखे थे। तो पूजा करते करते और पढ़ते पढ़ते याद हो गया,
पूरा शिव तांडव आज भी याद है। तो भाई को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनकी वजह से मैंने सीखा है। क्योंकि पूजा करते करते हनुमान चालीसा, शिव तांडव, राम स्तुति बहुत कुछ पढ़ना पड़ता था, धीरे धीरे सब याद हो गया हमको, और वो आज भी याद है सिर्फ उनकी वजह से। क्योंकि वो कहीं बाहर चले जाएं तो फ़ोन करके, और वो भी दोनों टाइम पूजा करवाते थे, पूजा कर लेना, तो धीरे धीरे ऐसे ही याद हो गया। ओके साथियों, तब तक के लिए बाय, अब आप लोगों से शाम में मिलते हैं। और किन किन साथियों को शिव तांडव पसंद है तो वो भी कमेंट करके बताएंगे। है तो संस्कृत का बहुत बड़ा बड़ा वर्ड है, लेकिन जब याद हो जाता है तो गाना के जैसे रट जाता है, ज़्यादा कठिन नहीं लगता। ओके दोस्तों, बाय।